हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए आज मैं आपको ये इयर रिंग बनाना सिखाती हूँ। ये इयर रिंग कैसे बनता है तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये धागा लेंगे, आपके पास जो भी धागा अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। और हम इस इयर रिंग को बनाने के लिए सबसे पहले 5 की चैन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। 1 की चैन लेंगे, फिर हम इसमें सिंगल क्रोचेट डालेंगे 9। 1, 2, 3। इसी तरीके से हमें 9 क्रोचेट बनाने, इसको पूरा करते हैं। इसमें हमारे देखिए हमने इसमें सिंगल क्रोचेट बन गए, 8 बना लेते हैं और ये 9 सिंगल क्रोचेट, और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें 3 की चैन लेनी, सॉरी 4 की, ज्वाइन करके अब इसमें हम 3-4 चैन लेंगे और उसको जहाँ से स्टार्ट किया है चैन वहीं इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमने जोड़ दिया है, ठीक है। अब हमें देखिए इसमें जो स्लिप स्टिच, हर एक एक में हमें सिंगल 2 स्लिप स्टिच लेती जानी, हमें 3 सिंगल स्लिप स्टिच लेनी है। और अब हमें 3 की चैन हम लेंगे और इसके बाद हर एक चैन के ऊपर हम डबल क्रोचेट लेते जाएंगे। एक के हम, एक हमारी चैन हो गई, अब ये सिंगल डबल क्रोचेट, 1 डबल क्रोचेट, 2 डबल क्रोचेट, 3 डबल क्रोचेट, 4 डबल क्रोचेट, 5 डबल क्रोचेट, 6 देखिए हमारी 6। तो देखिए क्रोचेट बन गए, 1, 2, 3, ये हमारी 7 हमारे बन चुके हैं। 7वां हम चैन को मिलाएंगे, राउंड स्टार्ट करते हैं। हम चैन लेते हैं, अब हम 3 की चैन लेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद क्रोचेट बनाना है, हर एक एक में हमें डबल क्रोचेट बुनते जाना है। हमें बनाना है 1 और 1 की चैन लेंगे, 1 डबल क्रोचेट, हर एक एक में हम डबल क्रोचेट इस तरीके से बुनते जाएंगे। 1 की चैन, डबल क्रोचेट, 1 की चैन, डबल क्रोचेट, और एंड में ये 1 की चैन, ठीक है। फिर से हम इधर हम चैन लेंगे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 4 अब ये हमारी ये लाइन पूरी हो गई है। अब फिर से हम 3 की, 4 की चैन लेके हर एक एक पे हम डबल क्रोचेट फिर से बनाएंगे। डबल क्रोचेट 2 की चैन लेंगे, अब हम 1, 2 फिर से डबल क्रोचेट बनाएंगे हर एक एक चैन में, और 2 की चैन लेंगे, 2 की चैन, डबल क्रोचेट। तो इसी तरीके से हमने ये राउंड पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ के 3 की चैन ले ली है और जो हमारा पहला होल था इसके अंदर हम 2 डबल क्रोचेट एक साथ बुनेंगे, 1 डबल क्रोचेट, 2 डबल क्रोचेट। और नेक्स्ट होल में, नेक्स्ट होल में देखिए हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1, 2 एंड 3। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हर एक एक में 3-3। इसी तरीके से हमें एंड तक बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए हमने सभी होल में 3-3 बार बुन लिया। तो अब हम फिर से, अब हमें स्लिप स्टिच लेनी है। ये हमारा जो इस स्टार्टिंग में जो 2 क्रोचेट, इन 2 के अंदर हमें स्लिप स्टिच लेनी है, 1 और सेकंड में फिर 2। अब हम 3 की चैन लेंगे, हमारा ये आ रहा है बीच का, और जो हमने ये 3-3 बुने थे, 3-3 डबल क्रोचेट बुने थे, तो इनके 1, 2, 3, ठीक है। और हर एक में हमें जो इन 3-3 के बीच में, तो देखिए ये जो हमारे हर 3-3 थे, उन 3-3 बनाते चलना है के बीच में हमें हमने चैन ले लिया, डबल क्रोचेट बुनते जाना है 3-3, ठीक है।
तीन छोड़ना है, फिर हमें उसके बीच में जो होल है उसमें तीन तीन डबल क्रोचेट बुनते जाना है। दो देखिए आप, फिर से जो तीन छोड़कर फिर बीच में जो छेद है इन सब में इसी तरीके से हर तीन तीन बुनते जाना है डबल क्रोचेट बुनना, मगर एंड का हमें तीन क्रोचेट छोड़ देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए नेक्स्ट लाइन हम स्टार्ट करते हैं। हमने तीन उधर छोड़े थे, तीन इधर छोड़े हैं स्टार्टिंग में। अब नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से। अब हम स्लिप स्टिच लेंगे दो क्रोचेट के ऊपर, दो डबल क्रोचेट के ऊपर हमें स्लिप स्टिच लेनी है। एक दो, अब हम तीन की चैन लेंगे, एक दो एंड तीन। और जो हमारा ये होल है इसमें हमें फिर से तीन तीन क्रोचेट डबल क्रोचेट बुनते जाना है। एक हम पहले बुन चुके थे, दो एंड तीन, और एंड में हमें तीन छोड़ देने हैं। देखिए हमारी ये लाइन स्टार्ट कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से हमें वन तक हमें ये बुनते जाना है, जब जब तक हमारा एक ना आ जाए। तो आइए बुनते हैं। हम एंड पे आ गए, तो देखिए हम लास्ट पे आ गए। तीन की चैन ली हमने, फिर दो बार तीन बार डबल क्रोचेट हमने इसमें बुन दिया, और हम इस धागे को अब कट कर देंगे। इस धागे को हमने कट कर दिया है, और इसको हम क्रोशिया से अंदर ही अंदर इसको हाइड कर देंगे इस धागे को, ताकि ये बाहर की साइड दिखे ना और भद्दा ना लगे। तो देखिए हमारा इयररिंग रेडी हो गया है, जैसा हमने एक पहला बनाया था। अब ये हुक इसमें हम इसके अंदर अटका देंगे। ये इयररिंग हमने सिल्वर कलर का लिया, आपके पास जिस भी कलर का हो आप लगा सकते हैं। थोड़ा कलर कंट्रास्ट देखकर देखिए। आई होप आपको मेरा इयररिंग अच्छा लगा होगा, मेरा बनाने का मेथड अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मुझे बताएं ज़रूर। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फुल वॉच करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच, गुड लक।